हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे व्लॉग का डे 14 है। डे 13 का जो वीडियो था ना, वो व्लॉग मैंने बनाया नहीं, लेकिन उससे पिछले दिन मैंने एक लंबा सा वीडियो शूट किया और उसमें कुछ ज्ञान पेलने वाली बातें मैंने मेंशन की और उसको एडिट करके मैंने कल वो वीडियो अपलोड कर दिया था। जनता माफ नहीं करेगी, प्लीज माफ कर देना। कल मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाया, जो पिछला था ना वही मैंने एडिट करके डाल दिया था, इसलिए बहुत दिल से सॉरी। बाय द वे, मैं ये ऐसा क्यों बैठा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं कोई न्यूज सुना रहा हूँ क्या? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब ना मेरी डेली आदत हो गई है कि कुछ ना कुछ सीखते रहने की YouTube के बारे में, YouTube से कुछ सीखने के बारे में। तो आज जैसे ही मैं सुबह उठा, उठने के बाद मैंने अपना YouTube खोला और फिर उसके बाद मैं ब्राउजर पे YouTube का जो ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट है वहां पे गया। अब उस ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट पे एक नया आर्टिकल लिखा था। अब वो आर्टिकल जैसे ही मैंने खोला और मैंने पढ़ा, मेरे तो होश उड़ गए। जो मैंने पढ़ा वो पढ़ने के बाद मेरे मुंह से बस यही निकला, ओ भाई ये क्या है। तो मार्केट में एक नई चीज आ चुकी है जो आप अब सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाने की सोच रहे हो तो आपके भी होश उड़ ही जाएंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बताता हूँ, लेकिन पहले ना आप ये वीडियो देखो और ये देखो। ये वाली वीडियो भी देखो। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ये वाली वीडियो भी देखो। साले का खोपड़ी तोड़। सो दोस्तों, ये सारी की सारी वीडियोस AI से बनाई हुई है। झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है कि ये सारी की सारी वीडियोस AI से ही बनाई हुई है। मैं नहीं मानता। ChatGPT तो आपने सुना होगा, जिस कंपनी ने ChatGPT बनाया ना, उसी कंपनी ने अभी ये एक और नया AI बनाया, जिसमें क्या होगा कि बस आप टेक्स्ट टाइप करोगे और आपका एक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई है, इसी वीडियो का जो लैंडिंग पेज होता है जो कंपनी ने दिया हुआ है, वो लिंक ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके चेक कर लेना। आपको यकीन नहीं हो रहा तो वो सारी की सारी वीडियोस जैसे कि वैसे आपको मिल जाएंगी। उनके प्रॉम्प्ट्स, मतलब क्या लिखकर वो वीडियो बनाया गया, वो वीडियो भी वहां पे आपको प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे, वो वीडियो भी मिल जाएगी। कुछ दिनों के बाद वो रिलीज हो जाएगी वेबसाइट, जैसे ChatGPT अभी रिलीज्ड है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ये जो AI है ये अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो कुछ दिनों के बाद शायद से वो कंपनी रिलीज करेगी। अब वो नहीं पता वो फ्री में रिलीज करेगी या पेड रिलीज करेगी, जो भी है वो रिलीज करेगी, उसके बाद ही आप लोग और कोई भी यूज कर सकता है। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, अब मुद्दा ये है कि मैं ये सब आपको बता क्यों रहा हूं, ये सारी वीडियोस मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत धक्का देने वाला या शॉक देने वाली बात है कि अब टेक्स्ट से लोग वीडियो जनरेट कर पाएंगे। अब ये आपके और मेरे लिए बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि अब ये क्या होगा कि ये लोग वीडियो बनाएंगे और ये जो हल्के हल्के जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जिनको तुरंत पैसा कमाना होता है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये टेक्स्ट से वीडियो बनाएंगे और वही वीडियोस को कंपाइल करके ये लोग यूट्यूब पर डालेंगे और किसी तरीके से यूट्यूब को पागल बनाकर पैसा कमाने की कोशिश करने वाले हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग वीडियोस बनाएंगे, मोनेटाइज करवाएंगे अपना चैनल और उसके जरिए वीडियो बना के अपना पैसा ढेर सारा कमाएंगे। अब आपका और मेरा इसमें ना मेहनत बढ़ जाएगा दोस्तों। मुझे अपने घर जाना है। मोबाइल पे अपना क्या बोलते हैं, अपना ट्राइपॉड लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। रात के अभी देखिए दोस्तों, रात के ना अभी ऑलमोस्ट देखा आपको 12 बजने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, मैं अभी रात के 12 बजे के करीब मैं वीडियो बना रहा हूँ और पता नहीं कब एडिट खत्म होएगा और कब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। शायद हो सकता है 2 या 3 बज जाए। अब ये लोग क्या करेंगे ना, टेक्स्ट से वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो बनाने में ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो वीडियो जनरेट होने में ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट में वो आपकी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी। तो लगभग 30 मिनट के अंदर वो सारी वीडियो, छोटी मोटी वीडियोस को कंपाइल करके एक यूट्यूब की वीडियो बन जाएगी। वो यूट्यूब की वीडियो लोग अपने यूट्यूब पर डालेंगे और वहां से वो चैनल मोनेटाइज जब हो जाएगा तब
करेंगे। अब इस तरीके की जो वीडियोस है ना, आप सेल्स पेज पे जाके देखना, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सेल्स पेज पे जाके देखना किस तरीके की वहां पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है उस एआई के जरिए। दोस्तों ये थोड़ी डरावनी सी बात है, यूट्यूब पता नहीं अब क्या करने वाला है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन टेंशन मत लेना, मैं ऑलरेडी जो यूट्यूब की जो पॉलिसीज थी या जो अपडेट बोली है ब्लॉग पोस्ट पे जो उन्होंने डाला था, वो डालने के बाद जो मैंने पढ़ा, वो जो ब्लॉग पोस्ट यूट्यूब ने डाला है ना, वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के बाद मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि मेरे दिमाग में था यही सवाल आ रहा था यार कि अब वो जो वीडियोस बनेंगी और हम जो वीडियोस बनाएंगे उसमें फर्क ही क्या रहेगा यार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हम तो मेहनत करेंगे, वो लोग लैपटॉप लेकर टक 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 करेंगे और वीडियो बन जाए। शर्म करो, भगवान से डरो। बात तो सही है, हम लोग पागलों की तरह इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर करते रहेंगे तो हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन जब मैंने वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ा तब मुझे वो बात पता चली कि यूट्यूब भी समझदार है दोस्तों, यूट्यूब को ये सब पहले से ही पता था और इसीलिए उसने वो सारी तैयारियां पहले ही करके रखी है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट पढ़ोगे, मैं एक बार डाल दूंगा वो ब्लॉग पोस्ट, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वहां पे यूट्यूब ने ना बहुत साफ तरीके से बोला हुआ है कि जो भी वीडियोस एआई जनरेटेड होंगी ना, वहां पे वो लोग कहीं ना कहीं नोटिस लगाएंगे कि ये, मतलब व्यूवर्स को पता चलेगा कि ये एआई से बनी हुई वीडियो है, और जो वीडियो आपके और मेरे जैसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो हम रियल तरीके से जो हम वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो उसके सामने या उसके नीचे वहां पे लिखा हुआ आएगा कि ये रियल वीडियो है। ठीक है, तो वो एक बात अच्छी है, मैं यूट्यूब को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार कि आप लोगों ने जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, यूट्यूब ने वो हमारी मेहनत मतलब समझी है और एआई को अलग एक जगह दी है, क्योंकि एआई भी जरूरी है यार, तो एआई को अलग जगह दी है और हमारे मेहनत को, हमारे वीडियोस को अलग जगह दी है, तो वो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों घबराना मत, ठीक है, आप एआई को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर देखो आप अपना प्योर कंटेंट बनाना चाहते हो, अपना प्योर वीडियो बनाना चाहते हो, तो उसी पे रहो। अगर एआई से रिलेटेड अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जानने वाला है, वो अगर एआई से रिलेटेड वीडियोस बना रहा है ना, तो टेंशन मत लेना, वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। आप लोग जो असली कंटेंट दोगे ना, मैं जो असली कंटेंट बनाऊंगा दूंगा कोशिश करता रहूंगा, वही चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की कोशिश मत करो। आज सारा दिन मैंने बस यही बैठ के स्टडी किया है कि किस तरीके से यार ये एआई आगे चल के काम करने वाला, चैट जीपीटी ने वैसे ही लोगों को परेशान करके रखा है, मतलब परेशान क्या, मतलब पॉजिटिव तरीके से, जिन लोगों को यूज नहीं करना आ रहा ना, तो वो लोग तो परेशान ही है। अब ये एक नया एआई आया है, उसी कंपनी ने बनाया है, तो अब ये एक और चीज हम जैसे क्रिएटर्स के लिए या यूट्यूबर्स के लिए परेशान होने वाली बात है। लेकिन परेशान मत होना, आप अपने कॉन्टेंट पे फोकस करो, कॉन्टेंट इज द किंग, कॉन्टेंट पे ही फोकस करते रहना। मैं भी हर रोज अपने कॉन्टेंट पे ही फोकस करता जा रहा हूं, अब तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो स्क्रिप्ट लिखो, अपने अच्छे से परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, मुझे भी, मैं भी धीरे धीरे कुछ कुछ सीख रहा हूं और कुछ कुछ नया ट्राई कर रहा हूं, तो आप लोग भी करते रहना और मेरे साथ इसी तरीके से आप बने रहना, जुड़े रहना, जो भी होगा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए देखिए ये मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं और ये मेरे को तंग कर रहा है, ये देखो, ये एक और भी है दोस्तों, हेलो बोलो। ठीक है, तो मेरे साथ मेरे पेट्स बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना बहुत है, मैं कल फिर से कुछ कोशिश करूंगा, अगर कोई और मुझे नई चीज सीखने को मिलती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, या फिर कोई एक नया व्लॉग मैं शेयर करूंगा। वैसे ना दाढ़ी बहुत बढ़ रही है, क्या करें, सबकी आती नहीं, हमेशा आती नहीं। मैं सोच रहा हूँ कल फिर से सलून जाते हैं, थोड़े से बाल भी बढ़ गए हैं, थोड़ा सलून जाके थोड़ा सा कट करवाते हैं। लेकिन यार फिर मैं वही सोचता हूँ कि ठीक है वहाँ जाऊँगा, एक ब्लॉग बनाता हूँ, तो लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार पता नहीं क्या होगा, वो फिर से थोड़ा सा डर लग जाता है। देखो दोस्तों ये मेरी बहन का एक और नया पेट है, ये ऐसे ही चढ़ता रहता है। एक भाई साहब ये है, ये एडी है, एडी हेलो बोलो। तो देखते हैं क्या होता है, हिम्मत नहीं हो रही, मेरे साथ बने रहना। और यार प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर दो, कमेंट्स, जो भी आपको ज्ञान देना है ना, जो भी आपको सजेशन देना है, जो भी आपसे मुझसे बात करनी है,
तो आप आ जाओ कमेंट बॉक्स में, खुल के बात करेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मेरे अभी तक ना मेरे 32 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो प्लीज़ मुझे ना 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, और 365 डेज के अंदर ही मुझे 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने हैं। अभी बीच में मैंने देखा था तो उसमें करीबन 18 घंटे का वॉच आवर्स हो चुका है। 4000 करने हैं, 18 घंटे ही हुए हैं, और 365 डेज के अंदर ही करना। अगर वो 365 डेज के अंदर नहीं हुआ ना, वो फिर से अगले साल मुझे फिर से जीरो से रोल आउट होएगा वो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। किस तरीके से डे वन से एक यूट्यूबर बनने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, वो मैं आपको रोज दिखाऊंगा। ठीक है, बाय बाय।